मॉर्निंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इससे पहले हमने टीवी ट्रांसमिशन के कुछ या बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम, रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम और पिक्चर ट्यूब के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। बेसिकली ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम में हम बात कर रहे हैं कि उसमें दो चीज़ें ट्रांसमिट करनी होती हैं, एक तो पिक्चर एक साउंड। तो पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए बेसिकली कैमरा ट्यूब दिया गया है, वहाँ से वो जनरेट होती है और इसके बाद वीडियो एम्पलीफायर, स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइज सर्किट, AM मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर और इधर से इसका कैरियर जो आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर RF एम्पलीफायर के थ्रू पावर एम्पलीफायर में जाकर ये एम्पलीफाई होता है। ऐसे ही साउंड जो सिग्नल है हमारा वो माइक्रोफोन के थ्रू होकर ऑडियो एम्पलीफायर, FM मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर, साउंड ट्रांसमीटर के थ्रू होकर कंबाइनिंग नेटवर्क से दोनों कंबाइन होकर ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट हो जाते हैं। इनके बारे में ब्रीफ में आगे देखेंगे आज के लेक्चर में। फाइनली जब रिसीवर पर पहुंचता है सिग्नल तो रिसीविंग एंटीना के थ्रू ट्यूनर कॉमन IF एम्पलीफायर के थ्रू वीडियो डिटेक्टर से होकर वीडियो एम्पलीफायर और स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट्स के थ्रू मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब से हमारा पिक्चर प्राप्त हो जाती है और साउंड के लिए साउंड IF एम्पलीफायर, साउंड डीमोडुलेटर और ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू लाउडस्पीकर पर हमारी साउंड प्राप्त हो जाती है। पिक्चर ट्यूब की यदि बात करें तो इसमें बेसिकली कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम जो निकल रही है उसको कंट्रोल ग्रिड 1, 2, 3 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसको जो आपकी फ्लोरेसेंस कोटिंग वाली फेस प्लेट है उस पर प्राप्त किया जाता है। ये पिक्चर ट्यूब का डायग्राम है। तो शुरुआत करते हैं सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसके लिए हमने राहुल वाधवा जी की बुक से 4.5A, B और C लिया गया है फिगर। ए में ट्रांसमीटर, बी में रिसीवर और सी में पिक्चर ट्यूब दिखाई गई है। तो टीवी ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हैं। टीवी ट्रांसमीटर में बेसिकली सबसे पहले हम जो है कैमरा ट्यूब की बात करेंगे। तो कैमरा ट्यूब जो है उसमें बेसिकली कैमरा ट्यूब क्या कर रहा है, ऑप्टिकल इमेज टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब कैमरा ट्यूब ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ऑप्टिकल इमेज मतलब बेसिकली जो वास्तविक दृश्य है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसके लिए जो सीन है उसको फोटो सेंसिटिव टारगेट प्लेट पर डाला जाता है। टारगेट प्लेट पर पिक्चर एलिमेंट्स का जाल होता है तथा प्रत्येक एलिमेंट की स्टेट उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर करती है। बेसिकली जो टारगेट प्लेट है हमारी फोटो सेंसिटिव है, मतलब वो हमारी ऑप्टिकल जो सिग्नल है उसके प्रति सेंसिटिव होता है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली हमारी जो टारगेट प्लेट है उस पर जो पिक्चर एलिमेंट्स बने हुए हैं उनका एक जाल बना हुआ है और प्रत्येक एलिमेंट की जो स्टेट है, मतलब उसमें कितनी करंट होगी बेसिकली या उसका क्या स्टेट होगा, उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर करेगी कि उसमें कितनी चमक आएगी, जो हमारा प्रकाश पड़ रहा है उस पर डिपेंड करेगी। बेसिकली इसको स्टेट बोलते हैं, एलिमेंट की स्टेट जो है उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर करती है। अतः जब ई पिक्चर को लेंस द्वारा टारगेट पर फोकस किया जाता है तो इस टारगेट प्लेट पर इमेज का इलेक्ट्रिकल पैटर्न तैयार हो जाता है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरह से उसमें जो लेंस द्वारा किस तरह से टारगेट पर फोकस किया जा रहा था। तो हमें पिक्चर को जब लेंस द्वारा टारगेट पर फोकस किया जाता है तो टारगेट प्लेट पर बेसिकली इमेज का इलेक्ट्रिकल पैटर्न तैयार हो गया है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल स्टेट उस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर कर रही है। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट की स्टेट डिसाइड हो जाएगी तो एक तरह से वो पैटर्न बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल पैटर्न। अब इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा स्कैन कराया जाता है, वो हमने देखा था पिछले डायग्राम में भी कि एक इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी, उस इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा इस प्लेट को स्कैन कराया जाता है जो कि टारगेट को एलिमेंट बाय एलिमेंट स्कैन करके पूरा फ्रेम स्कैन करती है तथा पूरे लोड कर यह प्रक्रिया दोहराती रहती है। मतलब जो प्लेट है उसको इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा स्कैन कराया जाएगा और टारगेट को जो है एलिमेंट बाय एलिमेंट स्कैन करके पूरा फ्रेम स्कैन करती है जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है और वो पुनः लौट कर यही प्रक्रिया दोहराती रहती है। दूसरा जो ब्लॉक डायग्राम है हमारा वीडियो एम्पलीफायर का है। बेसिकली
जो वीडियो एम्पलीफायर है वो कैमरा ट्यूब से प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। हमारे पास जो सिग्नल प्राप्त हुआ है वो पिक्चर सिग्नल का एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड कम है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमने वीडियो एम्पलीफायर यूज़ किया है। तो जो वीडियो एम्पलीफायर है वो कैमरा द्वारा जो ऑप्टिकल इमेज प्राप्त हुई है उसको कैमरा द्वारा बेसिकली जो है ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वीडियो एम्पलीफायर द्वारा कैमरा ट्यूब से प्राप्त जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। थर्ड ब्लॉक डायग्राम है इसमें स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट्स। स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट्स बेसिकली इससे समझ में आ रहा है कि एक तो स्कैन करेगा, दूसरा वो ट्रांसमीटर और रिसीवर में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जैसी प्रक्रिया ट्रांसमीटर पर है वैसी प्रक्रिया रिसीवर पर भी होनी चाहिए उसी क्रम में, ठीक है। टाइमिंग वगैरह सब उसकी सेम होनी चाहिए, पोजीशन स्कैन करने की। तो स्कैनिंग बेसिकली क्या है, स्कैनिंग के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, थोड़ा बहुत हमने पहले ही पढ़ा है, इसमें भी पढ़ेंगे, इसके आगे भी पढ़ेंगे। तो स्कैनिंग का बहुत बेसिक अभी बता रहे हैं, अगले लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्कैनिंग बेसिकली एक तरह से रीडिंग है, यदि हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें तो स्कैनिंग क्या है, रीडिंग। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उस टाइप से ही पिक्चर को भी पढ़ा जाता है, स्कैनिंग है वो। टेक्निकली देखें तो स्कैनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सभी पिक्चर एलिमेंट्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा एक प्रकार से रीड किया जाता है। वही चीज़ें कि जैसे हम आँखों से पढ़ते हैं ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा एक प्रकार से जो है पिक्चर एलिमेंट्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट रीड किया जा रहा है। जब रिसीवर पर पिक्चर ट्यूब में ओरिजिनल सीन के रिप्रोडक्शन हेतु इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फर को स्कैन करती है तो यह स्कैनिंग ट्रांसमीटर पर की गई स्कैनिंग से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो वही है कि जो रिसीवर पर प्रक्रिया हो रही है स्कैनिंग की वो ट्रांसमीटर में की गई स्कैनिंग से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, समान क्रम में होनी चाहिए। इसके लिए ट्रांसमीटर द्वारा सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल्स बेसिकली इसको शॉर्ट में सिंक SYNC सिंक सिग्नल भी बोलते हैं, सिंक सिग्नल भी ट्रांसमिट किए जाते हैं। रिसीवर पर जो पिक्चर ट्यूब में ओरिजिनल सीन के रिप्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फर को स्कैन करती है, ये स्कैनिंग ट्रांसमीटर पर जो स्कैनिंग की जा रही है उससे सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। इसके लिए हमें ट्रांसमीटर से जो है सिंक सिग्नल्स भी ट्रांसमिट करने होते हैं। फोर्थ है AM मॉड्यूलेटर। बेसिकली AM मॉड्यूलेटर क्या, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, तो उसमें जो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं पिक्चर सिग्नल के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, टीवी में बेसिकली टेलीविज़न में पिक्चर सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो बैंडविड्थ को सेव करने के लिए VSB वर्जन का यूज़ किया जाता है। VSB मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है ताकि बैंडविड्थ कम हो। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली DSB की बात कर रहे हैं, डबल साइड बैंड, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं बस याद दिला रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तीन प्रकार के होते हैं, डबल साइड बैंड जिसमें बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, दोनों साइड बैंड अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड जो है हमारे पास होते हैं और ट्रांसमिट किए जाते हैं, सिंगल साइड बैंड SSB जिसमें एक साइड बैंड ट्रांसमिट किया जाता है बैंडविड्थ आधी हो जाती है, और बीच का होता है वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, इसमें एक साइड बैंड कंप्लीट कैरियर प्लस दूसरे साइड बैंड का कुछ पार्ट वेस्टिज ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ हम बता रहे हैं कि जो हमारा AM मॉड्यूलेटर है वो VSB मॉड्यूलेटर है। बेसिकली टेलीविज़न में पिक्चर सिग्नल को जो है पिक्चर सिग्नल के मॉड्यूलेशन के लिए VSB मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। फिफ्थ है क्रिस्टल ऑसिलेटर। बेसिकली अब हमारे पास मैसेज सिग्नल तो आ गया है कैमरा ट्यूब से ऊपर और एम्पलीफाई करने के लिए वीडियो एम्पलीफायर हमने यूज कर लिया है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्किट प्रोवाइड किया है स्कैन करने के लिए, स्कैनिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट यूज कर लिया है, और मॉड्यूलेशन के लिए बेसिकली हमने AM मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर यूज कर लिया है। तो
मॉड्यूलेटर। अब ये जो है बेसिकली पावर एम्पलीफायर में जाके हमारा मॉड्यूलेशन होना है, तो पावर एम्पलीफायर में कैरियर भी चाहिए होगा। कैरियर कहाँ से आएगा? क्रिस्टल ऑसिलेटर से, और आरएफ एम्पलीफायर से होगा एम्पलीफायर होकर आएगा। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर और आरएफ एम्पलीफायर को हमने एक ब्लॉक डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम अलग अलग दिखाया गया लेकिन उनके बारे में वर्किंग एक ही पार्ट में लिखी है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो मॉड्यूलेशन हेतु हमें हाई स्टेबिलिटी का आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर उत्पन्न करना है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेशन हेतु हाई स्टेबिलिटी का आरएफ कैरियर उत्पन्न करता है। इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। इसके बाद बेसिकली हमने मॉड्यूलेशन तो कर लिया है, ठीक है। पावर एम्पलीफायर में हमने जाके बेसिकली हमारा पिक्चर सिग्नल का मॉड्यूलेशन भी हो गया है, और वो अब साउंड हमारा बेसिकली आना है, जिसको कंबाइनिंग नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिटिंग एंटीना और ट्रांसमिट किया जाएगा। तो साउंड ट्रांसमिशन की बात करते हैं। साउंड ट्रांसमिशन के लिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं साउंड के लिए, अदर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रखेंगे उसके कैरियर की। तो साउंड ट्रांसमिशन हेतु जो है साउंड सिग्नल को एक अन्य कैरियर पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट किया जाता है, अदर कैरियर पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा साउंड ट्रांसमिशन किया जाता है। इसके बाद इनको कंबाइन करेंगे। ये कंबाइनिंग नेटवर्क क्या करता है? यह नेटवर्क एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बेसिकली वीएसबी मॉड्यूलेशन, जिसका किया गया है उस वीडियो, बेसिकली पिक्चर सिग्नल को वीडियो सिग्नल बोल रहे हैं। यह नेटवर्क एएम या वीएसबी मॉड्यूलेटेड वीडियो व एफएम मॉड्यूलेटेड ऑडियो सिग्नल्स को कंबाइन करके एंटीना को भेज देता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना है, टर्नस्टाइल एंटीना यूज किया जाता है, टर्नस्टाइल एरे ब्रॉड एरे में भी लिखा हुआ है। उसके बाद है ट्रांसमिटिंग एंटीना। बेसिकली ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा? हमारे पास जो सिग्नल आ गया है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्पेस में रेडिएट करता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा? टीवी सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्पेस में रेडिएट करता है, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल आया बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं। अब एंटीना जो है स्पेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं चलेंगे, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके स्पेस में रेडिएट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसमीटर की जो है ब्रीफ में हमने वर्किंग बताई है, बेसिकली ब्लॉक डायग्राम के एक एक कंपोनेंट को बताया है। आने वाले चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में स्कैनिंग वगैरह को ध्यान से देखेंगे, और वीएसबी मॉड्यूलेशन क्यों यूज होता है, बैंडविड्थ कैसे कम होती है, कितनी कम हो जाती है, स्कैनिंग की क्या प्रक्रिया है, स्कैनिंग के टाइप क्या है, ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं रिसीवर की। टीवी रिसीवर के कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले रिसीविंग एंटीना। बेसिकली रिसीविंग एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है, टीवी सिग्नल को रिसीव करने का काम रिसीविंग एंटीना करता है। इसमें हम यागी उड़ा एंटीना यूज करते हैं, जो बेसिकली हमारे घर में भी हमने देखा है। ये ब्लैक एंड वाइट टीवी की बात चल रही है, इसमें यागी उड़ा एंटीना यूज हो रहा है। हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली ये मोनोक्रोम टेलीविजन का ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ देख सकते हैं हमें फिगर चित्र 4.5 मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम, मतलब ये ब्लैक एंड वाइट टीवी की बात चल रही है। आने वाले चैप्टर्स में हम कलर टीवी के बारे में बात करेंगे। तो हम रिसीवर के बारे में बात करें, तो रिसीवर पर हमने रिसीविंग एंटीना यूज किया, टीवी सिग्नल को रिसीव करता है। उसके बाद ट्यूनर है। ट्यूनर बेसिकली क्या कर रहा है? ट्यून कर रहा है, जैसे हम एफएम ट्यून करते हैं नॉर्मल लाइफ में, या टीवी को भी ट्यून करते हैं चैनल पे पर्टिकुलर। तो बेसिकली ये ट्यूनिंग जो हम चैनल सेलेक्ट करते हैं वो बेसिकली हम ट्यूनर को ट्यून कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पर। इस सर्किट को डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करने पर वही फ्रिक्वेंसी पास होती है तथा शेष फ्रिक्वेंसी रिजेक्ट हो जाती है। मतलब बेसिकली हमें कोई एक चैनल सेलेक्ट करना होता है, वो चैनल हम ट्यूनर से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर जो बाहर तो हमें रिमोट से दिखाई दे रहा है कि बटन दबा दिया हमने चैनल नंबर एक चैनल नंबर दो सेलेक्ट हो गया, चैनल वन सेलेक्ट हुआ, चैनल टू के सारे कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं। तो बेसिकली वो ट्यूनर काम करता है अंदर। ट्यूनर जो प्रोग्राम हमारा वो सर्किट इस तरह का सर्किट होता है जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी पास करेगा और अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी रिजेक्ट करेगा।
उसके बाद मिक्सर एंड IF एम्पलीफायर है, इसको हम प्रिंसिपल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। मिक्सर द्वारा सुपर हेटरोडाइन रिसीवर सिद्धांत के अनुसार IF उत्पन्न की जाती है, जिसको IF एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करते हैं। इसके बाद वीडियो डिटेक्टर है, बेसिकली डायोड डिटेक्टर इसमें यूज हो रहा है। वीडियो डिटेक्टर में एक डायोड डिटेक्टर यूज होता है जो वीडियो सिग्नल को डीमोडुलेट करता है, और यहाँ पर जो है साउंड सिग्नल को एक लोअर फ्रिक्वेंसी पर कन्वर्ट किया जाता है, इसको इंटर कैरियर फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, और उसके बाद फिर इसे साउंड डीमोडुलेटर को भेजा जाता है। बेसिकली हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था कि वीडियो डिटेक्टर जो है वो वीडियो को डीमोडुलेट कर देता है और स्कैनिंग और सिंक्रोनाइज़ सर्किट्स के थ्रू जो है उसको मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब पर भेज देता है। उसके अलावा जो साउंड सिग्नल है उसको अलग लोअर फ्रिक्वेंसी पर कन्वर्ट किया जाता है, उसको साउंड IF एम्पलीफायर के थ्रू साउंड डीमोडुलेटर पर भेजा जाता है। उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है, और लाउडस्पीकर के थ्रू उसको साउंड को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा साउंड डीमोडुलेटर बेसिकली क्या कर रहा है, ये साउंड की FM डिटेक्शन करता है, ठीक है। FM डीमोडुलेशन बेसिकली कह सकते हैं, ट्रांसमीटर पर FM मॉडुलेशन हुआ था तो रिसीवर पर FM डीमोडुलेशन होगा, उसको FM डिटेक्शन भी कहते हैं। साउंड डीमोडुलेटर यह साउंड की FM डिटेक्शन करके लाउड स्पीकर को दे देता है। तो बेसिकली ये जो लाउड स्पीकर है हमारा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। साउंड डीमोडुलेटर FM डिटेक्शन कर रहा है, ऑडियो एम्पलीफायर यदि कोई लेवल कम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का उसको एम्पलीफाई करेगा, उसके बाद लाउड स्पीकर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके साउंड प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब के थ्रू हमारे पास रिसीवर का यदि ब्लॉक डायग्राम देखें तो मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब पर हमारी पिक्चर प्राप्त हो जाएगी और लाउड स्पीकर पर हमारे साउंड प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे पिक्चर ट्यूब के बारे में। तो बेसिकली पिक्चर ट्यूब के बारे में हम यहाँ ब्रीफ में बात करेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में हम इसमें डिटेल में भी देखेंगे। इसकी बेसिकली यदि हम मोटे शब्दों में देखें तो पिक्चर ट्यूब का काम क्या है, वो हमारा टीवी है जो घर में रखा हुआ है रिसीवर पर, ठीक है। हमने कहीं पर कोई सीन शूट हुआ, वो कैमरा ट्यूब से ट्रांसमीटर को दिया गया और कैमरा ट्यूब से शूट करके उसको हमने और माइक्रोफोन से उसकी साउंड को रिकॉर्ड करके हमने बेसिकली ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू सेंड कर दिया, स्पेस से होकर रिसीविंग एंटीना के थ्रू रिसीवर पर आ गया। वो जो डिस्प्ले होगा वो पिक्चर ट्यूब पर होगा, वो हमारे जो घर में रहती है बेसिकली ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट होकर जो सिग्नल आया है रिसीविंग एंटीना पर रिसीव हुआ, उसको फाइनली हमारे घर पर जो रखा टीवी है जिसको हम टीवी कहते हैं बेसिकली, वो रिसीवर का पिक्चर ट्यूब है। तो उस पर हमारा सीन क्रिएट होता है जो ओरिजिनल सीन सेंड किया गया था। तो बेसिकली इस पर हमारा सीन का रिप्रोडक्शन होता है, इसकी स्क्रीन पर सीन का रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी वीडियो सिग्नल जो हमारा आया था उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो क्या चेंज होती है देख लेते हैं। पिक्चर ट्यूब के इलेक्ट्रॉन गन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी, जो हमने अभी पिक्चर ट्यूब का डायग्राम देखा था उसको एक बार देख लेंगे। पिक्चर ट्यूब के जो इलेक्ट्रॉन गन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी इंटेंसिटी बेसिकली वीडियो सिग्नल द्वारा कंट्रोल्ड होती है। इसको देख सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न हो रही है इसकी इंटेंसिटी किससे कंट्रोल होगी, वीडियो सिग्नल द्वारा कंट्रोल होती है। जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो इलेक्ट्रॉन गन से उत्पन्न बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है बेसिकली, उसकी इंटेंसिटी जो है तीव्रता वीडियो सिग्नल द्वारा कंट्रोल होगी। मतलब वीडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और कम एम्पलीट्यूड होगा तो इंटेंसिटी कम होगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी वीडियो सिग्नल द्वारा कैसे कंट्रोल होती है देखा हमने। इस इलेक्ट्रॉन बीम को ओरिजेंटल व वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग कोयल्स की सहायता से फॉस्फर स्क्रीन पर ट्रांसमीटर की सिंक्रोनाइज़ में स्कैन कराया जाता है, जिससे स्क्रीन फॉस्फर बीम की इंटेंसिटी के अनुसार ग्लो करती है, अतः स्क्रीन पर सीन का रिप्रोडक्शन हो जाता है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी इंटेंसिटी तो वीडियो सिग्नल द्वारा कंट्रोल हो गई,
अब इसको मूव भी करा जाना है ताकि सीन प्रॉपर बन सके। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग कोयल्स की सहायता से इसको जो है मूव कराया जाएगा, स्कैन कराया जाएगा बेसिकली फॉस्फर स्क्रीन पर स्कैन कराया जाएगा, और जो स्कैनिंग होगी वो सिंक्रोनाइज्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर। जैसी ट्रांसमीटर पर स्कैनिंग की गई थी वैसी ही उसी क्रम में रिसीवर पर भी स्कैनिंग होती है, ये हमने देखा था अभी पिछले लेक्चर में भी देखा था, इस लेक्चर में भी देखा है। तो वो होनी ज़रूरी है, तो वो कैसे होगी, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स की सहायता से स्कैनिंग होगी और वो फॉस्फर स्क्रीन पर ट्रांसमीटर की सिंक्रोनाइजेशन में होती है, इसीलिए रिसीवर पर भी स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्किट प्रोवाइड किया जाता है, सिंक पल्स भी भेजी जाती हैं साथ में इसीलिए। तो ये जो सिंक पल्स हैं वो हमारी ट्रांसमीटर की स्कैनिंग और रिसीवर की स्कैनिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्कैनिंग रिसीवर पर होगी वो ट्रांसमीटर के सिंक्रोनाइजेशन में होती है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स की सहायता से फॉस्फर स्क्रीन पर इसका जो इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैन कराया जाता है, जिससे स्क्रीन जो है फॉस्फर बीम की इंटेंसिटी के अनुसार ग्लो करती है, और फाइनली स्क्रीन पर जो ओरिजिनल सीन था उसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। बाकी डिटेल्स इसकी बाद में देखेंगे, फिलहाल में इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने टीवी ट्रांसमीटर और टी रिसीवर के सिस्टम के बारे में अध्ययन किया, वो बेसिकली टीवी सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। ये जानकारी बहुत संक्षिप्त जानकारी है, आगे के चैप्टर्स में इन सभी बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनको हमें पढ़ने के बाद यदि हम वापस इस लेक्चर को देखेंगे तो उनको समझने के बाद यदि आप वापस पुनः लौट कर यह सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको अपने हिसाब से अन्य कई पॉइंट्स इसमें ऐड करने की इच्छा करेगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को सिंपल बनाने के लिए अभी यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी जा सकती है, तो आगे इनके बारे में डिटेल बताई जाएगी। थैंक यू।